अमदावाद सहित मोटाभागना शहरों में एप्रिल महीनानी गर्मीए पाछला 10 वर्षनो रेकॉर्ड तोड्यो छे। राज्यमां सौथी वधु गर्मी कंडला एरपोर्ट पर 45.2 डिग्री नोंधाई। अमदावाद अने सुरेन्द्रनगरमां 44 डिग्री तापमान। उत्तर गुजरातना गांधीनगर अने डीसामां पर 43.8 डिग्री गर्मी। भाजप प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिले खातरी आपी कि राज्य में रखड़ता ढोरों ने लेने गुजरात हाईकोर्टे करेला आदेश नु पालन करवामां आवशे। हाईकोर्टे जे रीते आदेश आप्या छे ते दिशामां सरकार पगला लेशे। रखड़ता ढोरों ने लेने हैरान गति छे, तेनो उकेल लावानी पण सरकार व्यवस्था करशे। विद्यार्थी नेता युवराजसिंह मुद्दे गृहराज्य प्रधान हर्ष संघवी की स्पष्टता। तेमणे कह्युं कि युवराजसिंहे आपेली तमाम अरजीओनी गंभीरताथी लेवाई छे, जे वात साची हती तेमां केस पण दाखल कराया अने तपास केसी गंभीरता पूर्वक तपास थई रही छे। युवराजसिंह सामे जे केस छे ते तद्दन अलग। हर्ष संघवीए जणाव्युं कि युवराजसिंह साथे कोई वधारानां पगलां नथी लेवाया। आ केस पोलीस अधिकारीओ अने जेना पर गाड़ी चढ़ावी देवानो प्रयास थयो तेमना तरफथी थयो छे, त्यारे परीक्षा साथे जोड़वामां आवे ते खोटू। त्यारे परीक्षा साथे कोई लेवा देवा नथी, कायदो कायदानुं काम करशे। राजकोटमां सहकारी क्षेत्रनुं जूथवाद यथावत। जयेश राधड़िया विरुद्ध जूथ फरी सक्रिय। राधड़िया सामे बेंकमां भ्रष्टाचारनी फरियाद अंगे कार्यवाही न थता नाराज। नितिन ढांकेजा, हरदीपसिंह जाडेजा जूथ कोर्टना द्वारे सरकार पगला नहीं ले तो कार्यवाही थशे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदना 2 दिवसीय गुजरात प्रवासो प्रारंभ। वडोदरा एरपोर्ट खाते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अने आरवी रमन्नानु स्वागत। राज्यपाल आचार्य देवव्रत अने मनीषा वकीले स्वागत कर्यु। नर्मदामां केवड़िया टेंट सिटीमां ज्युडिशियल कोन्फरन्सो प्रारंभ। राष्ट्रपति 2 दिवसीय ज्युडिशियल कोन्फरन्से खुल्ली मुकी। सीजीआई राज्यपाल देवव्रत, सीएम भूपेन्द्र पटेल उपस्थित, केन्द्रीय प्रधान किरण रिजिजू पण हाजर रह्या। नर्मदाना एकतानगरमां अखिल भारतीय जजीस कोन्फरन्समां भाग लेवा राज्यना मुख्य न्यायमूर्ति वडोदरा पहोंच्या। जिला प्रशासने गुजरातनी आगवी परंपरा मुजब वरिष्ठ न्यायमूर्तिओनुं कंकु तिलक करीने स्वागत कर्युं। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी फरी एक बार गुजरात आवशे। 20 एप्रिले दाहोद जिल्लामां योजानारा विविध कार्यक्रममां हाजरी आपशे। करोड़ो रूपियाना विकास कामो अने लोकार्पण खातमुहूर्त करशे। दाहोदमां वडाप्रधानना कार्यक्रमनी तड़ामार तैयारीओ। वडाप्रधान दाहोद जिल्लामां जायडस मेडिकल कॉलेजमां तैयार थयेली 750 बेडनी होस्पिटलनुं लोकार्पण करशे। उपरांत विद्यार्थीओने रहेवा माटे क्वार्टर अने पीएसए प्लांटने पण खुल्लो मुकशे। अमदावादमां एएमसीना विपक्ष नेता शहजाद खान पठाणे अचानक शाळानी मुलाकात लीधी। बहरामपुरामां प्राथमिक शाळा नंबर 13 मुलाकात लीधी, जेमां धोरण 1 अने धोरण 3ना विद्यार्थीओने एक ज वर्गखंडमां भणावता होवानुं सामे आव्युं। शाळामां टॉयलेट पण जर्जरी स्थितिमां जोवा मळ्या। आ तरફ સુરેન્દ્રનગરના વટવાણમાં કોંગ્રેસે મોંઘવારી મુક્ત ભારત અભિયાન અંતર્ગત વધુ વિરોધ કર્યો હતો। વટવાણની શિયાણી પોળ વિસ્તારમાં કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો અને આગેવાનોએ ઈંધણ, ગેસ, ખાદ્યતેલના ભાવ વધારા સામે વિરોધ કર્યો। પોલીસે 25થી વધુ કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરી। સુરતના બારડોલીમાં કર્મચારીઓ વગર સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજાયો। શહેરના રાજપૂત સમાજની વાડીમાં આયોજિત સેવા સેતુ માત્ર નામ પૂરતો સાબિત થયો। કાર્યક્રમમાં એક પણ કર્મચારી હાજર ન રહેવાથી લાભાર્થીઓ હેરાન પરેશાન થયા। સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં સુવિધાના અભાવને લઈને લોકોએ તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો। અમદાવાદ 16 સિવિલમાં વર્ગ 3ના કર્મચારીની પગાર વધારા મુદ્દે હડતાળ યથાવત છે। ટેકનિકલ સ્ટાફ હડતાળ પર ઉતરતા દર્દીઓ હવે રામ ભરોસે। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આરોગ્ય તંત્રની બેદરકારી। સગર્ભા અને બાળકોને ખુલ્લામાં અપાય છે રસી। થાનગઢના ખાખરાડી ગામનો આ વિડીયો સામે આવ્યો, જેમાં જોઈ શકાય છે કે આરોગ્ય વિભાગની ટીમ ખુલ્લામાં રસી આપી રહી છે। આંગણવાડીના સુપરવાઇઝરે મકાન ખાલી કરાવતા ખુલ્લામાં રસી આપવાની ફરજ પડી। આરોગ્યને લગતા સાધનો પણ ખુલ્લામાં પડ્યા હોવાનું વિડીયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે। રાજકોટમાં આરોગ્ય વિભાગે ભેળસેળયુક્ત ગરમ મસાલોનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો। કોઠારીયા વિસ્તારની સુગંધ એન્ટરપ્રાઇઝ પેઢીમાંથી અખાદ્ય ગરમ મસાલો જપ્ત કરાયો। આરોગ્ય તંત્રએ 465 કિલો હલકી ગુણવત્તાનો મસાલો જપ્ત કર્યો। રાજકોટમાં આરએમસી પાણી માટે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવશે। સોમવારથી પાણી ચોરી, ભૂતિયા નળ કનેક્શન, લાઇન લીકેજ સહિત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે। દરેક વોર્ડમાં અલગ અલગ ટીમો ત્રાટકશે। પાણી ચોરી અને પાણીનો બગાડ અટકાવવા ખાસ ઝુંબેશ।
राजकोट में एसटी विभागे एम्स होस्पिटल सुधी बस सेवा शुरू करी। एक दिवस में एसटीए 5 राउंड की ट्रीप शुरू करी। एसटीए 100 रूपया भाड़ू नक्की कर्यु। पंचमहाल गोधरा में प्रेम प्रकरण की आशंकाए 3 युवानों ने तालिबानी सजा। 3 युवानों ने थांभला साथे बांधीने मार मार्यो। उरवाड़ाना बारिया फड़ियानो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थयो। गामना अग्रणीओनी समझावट बाद 3 युवकोने मुक्त कराया। पोलीसे 5 आरोपीनी अटकायत करीने कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरी। सुरेन्द्रनगरना वढवाणमां एक ज ज्ञातिना बे जूथ वच्चे मारामारी। नकली आईडी बनावी सगीराना चुंबन करता फोटा युवके इंस्टाग्राम पर अपलोड करता बबाल। एक जूथना लोकोए सगीराना परिवार पर हुमलो करता बे लोको इजाग्रस्त थया। पोलीसे 3 महिला सहित 9 आरोपीनी धरपकड करी। विरमगाममां पालिकाना भाजपना सभ्यना पतिनी पासा हेठळ धरपकड। वोर्ड नंबर 3ना सभ्यना पतिनी धरपकड कराई। सभ्य पर असामाजिक प्रवृत्तिओ साथे संकळायेला होवानो आरोप। अमदावादना धोलेरामांथी माताजीना मठमांथी विदेशी दारूनी बॉटल अने तलवार मळी आवी। 5 पशुओनी बलि पहेला मंदिरमांथी मळी आवी दारूनी बॉटल। विज्ञान जाथाए पशुओनी बलि चढ़ावता अटकावी। पोलीसे 5 आरोपी सहित 5 बकरा अने विदेशी दारूनी बॉटल कब्जे करीने कार्यवाही हाथ धरी। सुरेन्द्रनगरना लखतर तालुकाना विठलगढ़ गामनी सीमा खनिज चोरीनी फरियाद। खेडूत एकता मंचना प्रमुखे फोटोग्राफ रजू करीने गांधीनगरमां लिखित फरियाद करी। अरजदारे तात्कालिक खनिज चोरी बंद करवानी रजूआत करी। सूरतना वराछामां फरसाण विक्रेता हनी ट्रेपमां फसाया। 2 महिलाओए व्हाट्सएप मेसेजथी मित्रता केळवी वेपारीने फसावी 50,000 मांगणी करी। पोलीसे 2 महिला सहित आखी टोळकीनी धरपकड करी। सूरतमां परणीतानी हत्याने अकस्मात मौतमां खपावी देवानो प्रयास करायो। 65 लाख रूपियाना वीमानी रकम पड़ावा माटे सासरियाओए घड़ियो परणीतानी हत्यानो कारसो। पोलीसे સસરા અને નણંદની ઉત્તર પ્રદેશથી ધરપકડ કરી, જ્યારે પતિ અને ડ્રાઈવર જેલમાં।